अनाथ बच्चों की होली। एक बार की बात है, कंचनपुर गांव में नैना अपनी बहन रूपा के साथ रहती थी। नैना और रूपा दोनों अनाथ थे, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। 2 साल पहले सड़क हादसे में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जब से वे दोनों बहनें अकेले ही रहती थी। रूपा अभी 6 साल की ही थी, उसका देखभाल उसकी बहन नैना ही करती थी। एक दिन रूपा अपनी बड़ी बहन नैना से कहती है, दीदी दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। रूपा मैं तुझे क्या दूँ, खाने के लिए घर में कुछ है ही नहीं। रुक मैं अभी तेरे लिए पड़ोस की काकी से कुछ मांग कर लाती हूँ। दीदी हम इतने गरीब क्यों हैं? दीदी हम कब तक दूसरों से मांग कर खाते रहेंगे। इतना कहकर रूपा रोने लगती है। नैना से रूपा का रोना देखा नहीं जाता है, इसलिए वह पड़ोस वाली काकी के यहाँ कुछ खाने को मांगने जाती है। काकी काकी रात का कुछ खाना बचा है तो दे दो, मेरी बहन को बहुत जोरों की भूख लगी है। इतने दिनों से मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, आखिर कब तक मांग मांग कर खाती रहोगी। काकी मेरी बहन को बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना काकी। ये ले 4 रोटी है, 2 तुम खा लेना और 2 अपनी छोटी बहन को खिला देना। और सुन थोड़ी सब्जी भी बची है, वह भी लेती जा। नैना खाना पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। रूपा चलो एक एक रोटी अभी खा लेते हैं और एक एक रोटी शाम को खा लेंगे, बस पेट भर जाएगा। नैना और रूपा के ऐसे ही दिन कट रहे थे। वे लोग किसी दिन खाना खाते तो किसी दिन ऐसे ही सो जाते थे। होली का त्योहार आने वाला था, सब लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन वे दोनों बहनें सबकी तैयारी को देखकर मायूस हो जाती है। तभी रूपा अपनी बड़ी बहन नैना से कहती है, दीदी हमारे मम्मी पापा होते तो हम भी होली मनाते ना। दीदी कहाँ है हमारे मम्मी पापा। तब नैना बोलती है, रूपा हमारे मम्मी पापा की मृत्यु हो गई है और वे हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, तुम उन्हें याद मत किया करो। दीदी के घर में पकवान और पकौड़े बन रहे हैं। दीदी मुझे भी ये खाना है। दीदी मुझे भी पकौड़े खाने हैं। सारे बच्चे होली खेल रहे हैं, मुझे भी रंग और गुलाल चाहिए, मुझे भी होली खेलनी है। देखो रूपा हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, खाने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम होली कहाँ से खेलेंगे। दोनों बहनें काफी रात तक इंतजार करती रही कि शायद किसी के घर का बचा हुआ खाना खाने को उन्हें मिल जाए। शाम को काकी ने नैना को बुलाकर बचे हुए पकवान दे दिए और बदले में उनसे सारे बर्तन साफ करवाए। तभी नैना काकी से बोली, काकी आप मेरे से काम करवा लिया करो मगर खाना दे दिया करो, मेरी बहन भूखी सो जाती है। बचा हुआ खाना तो तुझे ही दे देती हूँ मैं। नैना के आंगन में कुछ गुलाब के पौधे थे, एक दिन उन पौधों पर बहुत सारे गुलाब खिले। नैना यह सब देखकर बहुत ही खुश हुई। थोड़ी ही देर बाद रूपा ने वे सारे गुलाब तोड़ लिए। तभी नैना जोर से रूपा पर चिल्लाई, रूपा तूने सारे गुलाब क्यों तोड़ लिए, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। दीदी मैं आपके हाथ आऊंगी तभी तो। इतना कहते हुए रूपा सड़क की तरफ भागने लगी, नैना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सड़क पर एक कार वाले ने रूपा के हाथ में गुलाब देखकर पूछा, बेटा ये गुलाब कितने का है। तभी नैना बोली, 10 रुपए का एक फूल है। बेटी मुझे 5 गुलाब दे दो और ये लो 50 रुपए। नैना बहुत ही खुश थी, आज उसे पैसे कमाने का जरिया मिल गया था। नैना के गुलाब के पौधों में हर रोज 7 से 8 फूल खिल जाते और नैना उसे तोड़कर सड़क पर बेच आती थी, इसी से उसे रोज 70 से 80 रुपए तक मिल जाते थे। अब दोनों बहनें उन पैसों से भरपेट खाना लाकर खा लिया करती थी। कई दिनों से लगातार एक लड़की प्रिया उससे फूल ले रही थी। एक दिन प्रिया नैना के घर आती है और उससे कहती है, बच्चों अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है तो तुम रोड पर यह फूल क्यों बेचती हो। तभी नैना बोलती है, दीदी हमें होली के लिए पैसे जमा करने हैं इसलिए मैं फूल बेचती हूँ। तो प्रिया हैरान होकर कहती है, होली के लिए पैसे, मैं कुछ समझी नहीं।
दीदी, हमारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों बहनें अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। होली में सबके घर पकवान और पकौड़े बनते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम दोनों बहनें ये फूल बेचने लगे। बेटा, तुम फूल कहाँ से लाती हो? दीदी, हमारे घर में कुछ गुलाब के पौधे हैं, उसी में से मैं ये गुलाब तोड़कर लाती हूँ। बेटा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि फूल खिलने बंद हो जाएंगे तब तुम दोनों क्या करोगी? नहीं दीदी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बेटा, मैं एक आंगनवाड़ी की शिक्षिका हूँ, क्या तुम कुछ पढ़ना जानती हो? हाँ दीदी, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, पर जब से मेरी मम्मी पापा मुझे छोड़कर गए हैं तब से कुछ भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे घर भी तो देखना पड़ता है। और हाँ, मेरी एक छोटी बहन भी है, उसका भी मुझे देखभाल करना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे घर के पास वाली जो आंगनवाड़ी है वहाँ तुम दोनों बहनें आ जाना, वहाँ तुम्हें खाना, कपड़ा, किताबें सब कुछ फ्री में मिलेगा। क्या आप सच कह रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, कल तुम दोनों बहनें वहाँ जरूर आना। उसके बाद प्रिया नैना के साथ उसके घर के और भी गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके घर जाती है और उनके बच्चों को भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजने को कहती है। नैना और रूपा दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती है और अगले दिन वे दोनों बहनें स्कूल जाने लगती है। प्रिया ने दोनों बहनों का दाखिला करा दिया। दो दिन बाद ही होली थी। नैना और रूपा दोनों बहनें उदास थी, तभी प्रिया की नज़र दोनों बहनों पर पड़ती है और प्रिया उनसे पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो? दीदी, होली आने वाली है, अब तो फूल खिलने भी बंद हो गए, अब हम होली कैसे मनाएंगे? सभी लोग होली की तैयारी कर रहे हैं। प्रिया रात भर घर जाकर दोनों बच्चों के बारे में सोचती रही। अगले दिन उसने सारे स्टाफ से 100-100 रुपए इकट्ठे किए और उन दोनों अनाथ बहनों के लिए होली के सामान की व्यवस्था की। होली का दिन था और सभी बच्चे उदास बैठे थे। प्रिया सारा सामान लेकर नैना के घर पर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही प्रिया ने नैना को आवाज दिया, नैना, रूपा, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ, आज हम तुम्हारे घर आए हैं। नैना और रूपा जब बाहर आती है तो देखती है दरवाजे पर प्रिया कुछ बच्चों के साथ खड़ी है। आओ रूपा, ये देखो पिचकारी और रंग, अब हमसे मिलकर खूब होली खेलेंगे। और नैना, इस थैली में कुछ खाने का सामान, पकौड़े और पकवान है, अब तो तुम दोनों बहनें खुश हो ना? अब नैना और रूपा दोनों मन लगाकर पढ़ने लगती है और इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। अब नैना और रूपा दोनों बड़ी हो चुकी थी। एक दिन नैना उसी आंगनवाड़ी वाली टीचर के पास जाकर बोली, दीदी, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करूँ, जिससे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई और कर सकूँ। नैना और रूपा, तुम छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेती? उससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। नैना और रूपा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। उसके आसपास के सभी बच्चे पढ़ाई के लिए नैना के घर आने लगते हैं। नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी करके बीएड किया, उसके बाद वह भी एक सरकारी शिक्षिका बन गई। एक बार फिर से होली आ गई। होली वाले दिन नैना ने ढेर सारे पकवान बनवाया। नैना को इतने सारे पकवान बनाते देख रूपा उससे कहती है, दीदी, इतने सारे पकवान और पकौड़े आप क्यों बना रही हो? तभी नैना रूपा से कहती है, रूपा, क्या तुम भूल गई? होली के दिन हम भूखे और उदास रहा करते थे और मैं चाहती हूँ आज के बाद किसी भी अनाथ बच्चों की होली हमारी तरह ना गुजरे। चलो आओ जल्दी मेरी मदद करो, फिर हमें हमारे जरूरतमंद बच्चों के घर भी जाना है। अरे वाह दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, फिर खूब अच्छे से हम दोनों बहनें होली मनाएंगे। उसके बाद वे दोनों बहनें हर साल ऐसे ही खुशी खुशी होली मनाने लगे। मैं डोली चली, तू अर्थी चली। यह कहानी लीलापुर गांव में रहने वाले धनी राम किसान की है। धनी राम की पत्नी उर्मिला प्रेग्नेंट थी और उसे रात 12 बजे उर्मिला के पेट में दर्द उठा। आह आह, सुनिए जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलिए।
गांव से हॉस्पिटल का रास्ता 10 किलोमीटर दूर था और ऊपर से उनके गांव का रास्ता भी इतना खराब था, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल तो ले जाना ही था। और तभी उसने अपने दोस्त रामू की बैलगाड़ी पर अपनी पत्नी को बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। लेकिन रास्ते में हो रहे गड्ढे के कारण उर्मिला को काफी तकलीफ हो रही थी। आह, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखो उर्मिला, हम बस थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तभी थोड़ी देर में बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है और धनी राम और रामू की लाख कोशिश करने पर भी वो बैलगाड़ी का पहिया बाहर नहीं निकलता है। अरे धनी राम भाई, अब क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश कर ली पर ये पहिया बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर तो भाभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी उर्मिला के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वह लगातार जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी उर्मिला ने दो बहुत ही खूबसूरत बच्चियों को जन्म दिया और दोनों बच्चियों को देखते ही धनी राम की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे शुरू से ही बेटियों की चाह थी, इसलिए वह बहुत ही खुश था। अरे उर्मिला देखो, हमारे घर दो दो लक्ष्मी आई हैं और देखो हमारी बिटिया कितनी प्यारी है। अरे उर्मिला देखो ना, हमारी बेटियां कितना रो रही हैं, शायद इन्हें भूख लगी होगी, जरा इन्हें दूध पिला दो। लेकिन धनी राम के बार बार कहने पर भी उर्मिला ने कुछ नहीं बोला। अरे उर्मिला कुछ बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। लेकिन उर्मिला अब क्या और कैसे बोलती, वह तो उन दोनों बच्चियों को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। धनी राम के ऊपर दो छोटी छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी सौंप कर धनी राम के लिए यह बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन वह अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार से पालता था और उसने अपनी एक बेटी का नाम आरती तो दूसरी बेटी का नाम माला रखा और उन दोनों बहनों में बहुत ही प्यार था। वह हमेशा एक साथ रहती, एक साथ खेलती, एक साथ पढ़ती और साथ में ही घूमना फिरना करती थी। वह कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुई थी। अरे आरती बेटा, कहाँ हो तुम लोग? हम यहाँ हैं बाबा, आज आपने घर आने में बहुत देर कर दी। क्या करूँ बिटिया, आज खेतों में पानी पटाना था इसलिए वक्त लग गया। बाबा कल से हम भी आपके साथ खेतों पर आपकी मदद करने चलेंगे। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम दोनों बहुत छोटी हो, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। वो तो हम खेलते ही हैं, क्यों माला? धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब धनी राम की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी और समय के साथ साथ दोनों का प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वह एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए भी अलग होती तो वे रोने लग जाती थी। तभी एक बार वह दोनों बहनें धनी राम के संग मेले में घूमने गई, लेकिन मेले में बहुत भीड़ होने की वजह से न जाने कैसे आरती का हाथ माला के हाथ से छूट जाता है और वह अलग हो जाती है। बाबा मेरी बहन माला कहाँ गई? कहाँ गई माला, अभी तो वह मेरे साथ ही थी। तभी कुछ देर बाद माला मिल जाती है, क्योंकि वह एक खिलौने की दुकान के पास खड़ी होकर खिलौने को देख रही थी और इसी में उसका हाथ छूट गया था। तो कहाँ चली गई थी मेरी बहन, तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे ऐसे मरने की कोई बात करता है क्या, हमें तो हमेशा साथ में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उन दोनों का प्यार देखकर धनी राम की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाता है। आरती और माला, अगर कल को तुम दोनों की शादी होगी तो तुम अलग होके कैसे रहोगे? बाबा इसलिए हम एक ही घर में शादी करेंगे और अगर हमें कोई ऐसा लड़का नहीं मिला तो हम कभी शादी नहीं करेंगे। धनी राम के दिमाग में उनकी यह बातें हमेशा घूमते रहती थी कि दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करनी है। और ऐसे ही थोड़ा समय और बीता और वे दोनों बहनें शादी के योग्य हो गई, लेकिन उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। धनी राम खेतों में ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ गया
और एक दिन धनी राम की भी मौत हो गई और आरती और माला अब अनाथ हो गई। माला, हम दोनों अब अनाथ हो गए ना? माँ जन्म देते ही मर गई और अब बाबा भी हमें छोड़कर चले गए और अब हम अनाथ हो गए। आरती, भले ही हमारे माता पिता अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम दोनों तो हैं ना बहन, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए फिर हम अनाथ कैसे? उनके पिता के जाने के बाद अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उन दोनों बहनों के ऊपर आ गई थी, इसलिए वो अपने पिता के दोस्त रामू काका की मदद से दोनों बहनों ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। वह बाजार में जाकर सब्जियां बेचा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रामू काका को उनकी शादी की बहुत ही फिक्र रहती थी, क्योंकि उनके माता पिता तो थे नहीं जो उनकी शादी के बारे में सोचते, तो एक रामू काका ही थे जो उन्हें हमेशा कोई ना कोई रिश्ते के बारे में बताते रहते थे। लेकिन वह दोनों बहन उन रिश्तों के लिए मना कर देती थी, क्योंकि वे दोनों रिश्ते अलग अलग घर के होते थे। अरे बेटा देखो, तुम दोनों मेरी बेटियों की तरह हो और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊँ, इसलिए तुम अपनी ये जिद छोड़ दो कि तुम्हें एक ही घर में शादी करनी है, वरना तुम दोनों शादी नहीं करोगी। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ते बार बार नहीं मिलते, समझो मेरी बात को। काका, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी तो हमारी बात को समझिए। हम दोनों बहनें कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। हम दोनों बहन बचपन से एक साथ ही रहते आ रहे हैं और हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अब मैं तुम दोनों के लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा जहाँ तुम दोनों बहनों की डोली एक साथ जाए। आरती और माला दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, इसलिए गांव के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक गांव का बदमाश जिसका नाम राजीव था, उसकी नज़र आरती पर थी और वह कई बार आरती का रास्ता रोक चुका था और हर बार उसे शादी करने के लिए बोलता रहता था। लेकिन आरती ने उसे कई बार मना किया कि वह इस तरह से उसका रास्ता ना रोका करे, लेकिन वो हर बार उसका रास्ता रोकता और उसे परेशान करता। तभी एक दिन की बात है, जब दोनों बहनें शाम को घर लौट रही थी। तुझे समझ में नहीं आता क्या? एक बार मैंने मना कर दिया ना कि मेरा रास्ता इस तरह मत रोका कर, अब चल हट यहाँ से। अरे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड अच्छा नहीं है, देख मेरे जैसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। वो तो तू सच ही कह रहा है, तेरे जैसा बदमाश और घटिया आदमी तो पूरे गांव में कहीं नहीं है, इसलिए अब हट जा यहाँ से। अगर नहीं हटा तो? राजीव उन दोनों के सामने आता है और उनका रास्ता रोकने लगता है। तभी माला ने नीचे से एक पत्थर उठाया और कहा, और अगर नहीं हटा तो इसी पत्थर से मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगी और तुझे खींच कर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। तभी पुलिस का नाम सुनकर राजीव थोड़ा डर गया और वह उनके रास्ते से हट गया। देख लूंगा मैं तुम दोनों को, मेरा सर फोड़ेगी ना, देखना मैं क्या करता हूँ तुम दोनों के साथ। अरे हाँ हाँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, चल अब हट यहाँ से। उसके बाद राजीव वहाँ से चला जाता है और दोनों बहनें घर आ जाती है। तभी कुछ दिनों में दोनों बहनों की जिंदगी में एक खुशी का पल आता है, क्योंकि एक श्रद्धालु औरत जिसका नाम गायत्री था, उनको दोनों बहनें बहुत ही पसंद आ जाती है और उन्होंने अपने दोनों बेटे गजेंद्र और धीरेंद्र के लिए उन दोनों बहनों को पसंद कर लिया और रामू काका से उन दोनों का हाथ मांग लिया। अरे बहन जी, आपको नहीं पता आज आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ जैसा चाहती थी उन्हें वैसा ही घर मिला है और दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। एक महीने के बाद शादी का दिन आ जाता है और आज के दिन ही दोनों बहनों की शादी थी। दोनों बहनें शादी के जोड़े में तैयार होकर बहुत ही सुंदर लग रही थी और आज वह दोनों बहुत ही खुश थी। आखिर उन दोनों बहनों का सबसे बड़ा सपना जो पूरा हो रहा था, एक ही घर में शादी करके जाने का। तू कितनी सुंदर लग रही है माला। नहीं, तू मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे।
इधर राजीव को आरती की शादी के बारे में पता चल जाता है और वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी वह एक मोटा सा डंडा लेकर उसके घर के पीछे बनी एक खिड़की में से उसके कमरे में घुस जाता है, जहां आरती दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी थी। जैसे ही राजीव ने उसे देखा तो वह गुस्से से लाल हो जाता है और वह आरती के सर पर डंडे मारने लगता है। तभी माला उसे देख लेती है और उसे धक्का मारकर उसके सामने आ जाती है और वह डंडा माला के सर पर लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है और वह वहीं तड़पती रहती है। अरे बदमाश, ये तूने क्या कर दिया? माला, मेरी बहन, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी थोड़ी ही देर में तड़पते तड़पते माला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और आरती के चिल्लाने से कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और राजीव को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ देर में बारात भी आ जाती है, लेकिन कई लोगों ने शादी रोकने की कोशिश की, पर आरती ने कहा, देखिए काका, ये शादी करने का समय तो नहीं है, पर यह शादी मत रोकिए, क्योंकि माला का बचपन से यही सपना था कि हम दोनों की डोली एक ही साथ उठे, लेकिन उसकी डोली तो नहीं जा सकती मेरे साथ। कम से कम उसकी अर्थी को तो ले चलो मेरे साथ, मेरे ससुराल, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर आप उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन कम से कम उसे मेरे ससुराल तक तो ले जाने दीजिए। उसकी बात को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी आरती की बातों को मानकर सभी दुखी मन से ही आरती की शादी संपन्न करते हैं और उसकी शादी के बाद एक तरफ उसकी डोली उठती है तो दूसरी तरफ माला की अर्थी उठती है। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आती है। दोनों बहनों का सपना था कि उन दोनों की डोली एक साथ उठे, पर होनी को कौन रोक सकता है? जहां एक बहन की डोली उठती है तो दूसरी बहन की अर्थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।